वो तो दिख ही रहा है ना, तो नहीं अगर दिख रहा है तो मेरा ये बोलना है ना, ये आपका रोड से अलग है ना, ये बेटर है ना। बात ये कि आगे से कराओ पीछे से करो, एसी सारा इशू नहीं है, एक ही जगह है वहाँ पे आपका रैंप भी है, ठीक है ना। या अल्टीमेटली आपको आप देख लो, बीएलओ से बात करके देख लीजिए, दो दो तीनों लोग इधर से आगे से कराना, पीछे से कराना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ से कराना कराओ। मैडम मैडम कैसे मैं बात करूँ सर, कौन से वाले कितना ये डिसमेंटल करनी, क्या करनी है सर? ये आधे रास्ते पे छोड़ दिया है, बनाया नहीं कभी, कम्प्लीट नहीं किया काम। ये पॉलिसी सर, ये पॉलिसी दो है यहाँ पर, हाँ दो यहाँ पर है, दो टोटल कितने दो ये पॉलिसी सर, ये पॉलिसी दो है यहाँ पर, हाँ दो यहाँ पर है, दो टोटल कितने दो सर, ये समझ में आ रहा है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है ना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं फीलिंग तो एक हो गया, ड्रेनेज का कोई इशू नहीं है, बस ये फीलिंग अगर नहीं नहीं फीलिंग तो फीलिंग में क्या हो जाएगा ना, पानी बस ऊपर आ जाएगा फिर सर, ड्रेन इससे थोड़ा शालू करके ना, थोड़ा भरने की जगह थोड़ा शालू करके इधर से खोदना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ, ठीक है ना। जी हम लोग बेसिकली आज एसीडी साहब जो कि एआरओ हैं रफियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के, तहसीलदार साहब, हम सब लोग यहाँ पे बेसिकली जितनी भी हमारे पोलिंग स्टेशन हैं, जैसे अभी हम लोगों ने फर्स्ट हाफ में जो हमारी कंडी बेल्ट है वहाँ पे देखा, तो अब बेसिकली तहसील वतरगा में जितने पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ होते हैं, जैसे कि पोलिंग स्टेशन, रैंप, वॉशरूम, इन सब का जायज़ा लेने के लिए आज पूरी कंबाइंड टीम के साथ आए हुए हैं। सर काफ़ी सारी ग्रीवियंसिस भी आपको सुनने को मिली, हालांकि अगर हम यहाँ पे वतरगाम की बात करें, जो ट्रामा हॉस्पिटल है दिल्ली, उसी की ज़्यादातर ग्रीवियंसिस आपके पास आई, तो क्या क्या होना चाहिए, कब तक? देखिए जो ट्रामा हॉस्पिटल आपका वतरगाम का है, दो उसका नाम ट्रामा हॉस्पिटल है, वो अभी भी इट इज़ सैंक्शन एज अ PHC, तो जब तक उसकी सैंक्शन नहीं होगी एज अ CHC, उसमें जो रिक्विजिट स्टाफ है वो नहीं हो पाएगा। बिल्डिंग तो बन चुकी है पर अभी उसकी सैंक्शन का इशू है, तो मेट्रोलॉजी डायरेक्टर साहब के भी नॉलेज पे है, तो उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे हमारे स्पेशली रोहामा, वतरगाम तहसील और डेंगेवाचा तहसील में कई सारे CHC बने हैं, पर उन सब में मेन इशू वही है कि स्टाफ का इशू है, तो स्टाफ जब तक नहीं आ पाएगा, जब तक सैंक्शन नहीं हो पाएगा, तो अभी गवर्नमेंट से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको भी एक सैंक्शन कराए, सो दैट जो स्टाफ है उसके अगेंस्ट स्टाफ स्ट्रेंथ आ जाए। बाकी भी ग्रीवेंसेस आपके पास आई, जैसे कि हम ड्रेनेज की बात करें, ICDS की बात करें, तो कब तक तवक्का करेंगे यहाँ के लोग? नहीं ड्रेनेज का देखिए एक मेजर इशू है, आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए जब स्कूल्स वगैरह बने थे तो वो हाई ग्राउंड में थे, अब बिकॉज रोड कंस्ट्रक्शन के कारण काफ़ी चीज़ कारण अब स्कूल्स लोग क्या कहते हैं इसमें हाइट में आ गए हैं, तो स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में ऑलरेडी ACD साहब उनके जो BDOs की टीम है ऑलरेडी कई सारे स्कूल्स पूरे ज़िले भर में वो कर रहे हैं, जिसमें वो फिलिंग करें, सो दैट जो ये प्रॉब्लम है पानी के स्वम्प का वो हो जाए। इसमें भी कोशिश करें, क्योंकि अर्बन एरिया में आता है, इसमें भी कोशिश करेंगे कि MC के थ्रू जहाँ जहाँ स्पेशली जहाँ पे बहुत एक्यूट प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी स्कूल्स में ये प्रॉब्लम है, तो जहाँ पे एक्यूट प्रॉब्लम है उनको टेकअप करके हम कोशिश करेंगे आने वाले साल में प्लान में डाल के इसको ठीक करें। थैंक यू सर।